हम लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। लालू जी की श्रीमती जी जो बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं और सारण संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं, उनसे भी मैं जीत चुका हूं। उनके समधी के खिलाफ भी मैं चुनाव जीत चुका हूं। तो अब मुझे लगता है कि सारण की जनता के लिए मेरा कुछ कहना उतना कठिन सवाल है। लगना तो अच्छा ही चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम प्रत्याशी हैं। मुझे नहीं पता है कि प्रत्याशी मेरे खिलाफ कौन है और पिछले 5 साल में भी इस क्षेत्र में कौन रहेगा, कौन काम करेगा, कौन मेरे मेरे विरुद्ध प्रत्याशी रहेगा, ये भी कभी दिखाई नहीं दिया। सच पूछिए तो पिछले 15 साल से मुझे कौन, क्योंकि चुनाव के समय प्रत्याशी घोषित होता है, वो लड़ता है, तो मुझे अभी भी नहीं पता है कि वहां का प्रत्याशी कौन होगा। और ये उनका प्रॉब्लम है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने और कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आपके समक्ष है। वहां कौन होगा, कैसे होगा, कहां से आएगा? रोहिणी आचार्य को कितनी चुनौती? देखिए, जब आपने खुद ही उनका प्रत्याशी घोषित किया है तो मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। आपने लालू जी के परिवार के एक सदस्य का नाम लिया है और आप सब लोग यहाँ मरोड़ा में वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो याद रखिएगा कि मैंने हम लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। लालू जी की श्रीमती जी जो बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं और सारण संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं, उनसे भी मैं जीत चुका हूं। उनके समधि के खिलाफ भी मैं चुनाव जीत चुका हूं। तो अब मुझे लगता है कि सारण की जनता के लिए मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। पृष्ठभूमि है और जनता तय करेगी कौन आएगा। इसके पूर्व की कहानियों को देख ले, मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे पक्ष में दिख रहा है। पूरा बिहार पिछड़ गया है और वो एक बड़ी चुनौती है बिहार के लिए, जिसके लिए मैं पिछले 2 साल से अभियान चला रहा हूँ। और सारण जिला के लिए जो प्रमुख रूप से विषय थे जिसको मैं अपने स्तर से कर सकता था, वो मैंने करने का कोशिश किया। चाहे वो सड़कें हो, पुल हो, पुलिया हो, बाईपास हो, कुछ नीतियां और हैं जिसको पूरा करना है और मेरे दिमाग में है। और मैं चाहूंगा कि बिहार में बिहार के विकास के साथ साथ सारण का विकास हो। लेकिन सारण के आप अगर आज उठा करके देखें तो आज 32,000 करोड़ रुपया का काम चिन्हित जिसका टेंडर किया जा चुका है, सारण की धरती पर चल रहा है और इसके प्रत्यक्ष दर्शी आप सब लोग। मरोड़ा का भविष्य क्या है? मरोड़ा भी सारण का हिस्सा और बिहार का हिस्सा है।